नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले हम ट्रांसफ़र पॉलिसी का अध्ययन करेंगे, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का, किसको प्राथमिकता मिलेगी किसको नहीं हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, अभी इसको समझने में टाइम लग रहा है, तो कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफ़र में यह पॉलिसी लागू होगी। इसके अनुसार टीचर व अन्य संवर्ग के ट्रांसफ़र हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी को कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके तहत दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफ़र होंगे। गंभीर शिकायतों, प्रतिनियुक्ति से वापसी, कोर्ट निर्णय के पालन और स्कूलों में खाली पद भरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। बता दें कि अब तक सरकार स्कूल के टीचर्स के लिए हर साल पॉलिसी लागू करती आ रही है। चलिए, किनको प्राथमिकता मिलेगी, क्या प्राथमिकता क्रम रहेगा, यानी कि सीनियरिटी कैसे मिलेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, पिछले सेशन में हाई स्कूल परीक्षा का 100% परिणाम आने पर, स्वयं या परिवार के सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर, शादी के कारण पति पत्नी के निवास या कार्यस्थान पर निःशक्त विधवा विधुर, कोरोना के कारण इलाज के लिए सुविधा अनुसार स्थान पर राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने पर, अतिश्रेष्ठ टीचर्स को एक से अधिक आवेदन होने पर वरीयता दी जाएगी। नए स्कूल या संकाय शुरू करने पर सेटअप में संशोधन 31 दिसंबर तक होगा। एजुकेशन पोर्टल पर कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट की जाएगी। वास्तव में संभावित रिक्तियों का निर्धारण 31 जनवरी तक, रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर 1 मार्च तक, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक किए जाएंगे और 30 अप्रैल तक ट्रांसफर आदेश जारी होंगे। ट्रांसफर पॉलिसी की 3 मुख्य बातें हैं। पहला कि ट्राइबल एरिया में प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। दूसरा, दूसरे जिले या संभाग का टीचर प्रमोशन कर पदस्थ नहीं होगा। तीसरा कि प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर होंगे। तो दोस्तों, ये ट्रांसफर पॉलिसी, इस पर अपने विचार जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।